अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फर्स्ट बॉय सेकेंडरी स्कूल्स आवर प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक, इन द लास्ट वीडियो लेक्चर्स वी डिस्कस्ड अबाउट द कीवर्ड्स यूज्ड इन चैप्टर नंबर 15 एन अफ्रीकन विलेज एंड देन इन द लास्ट टू वीडियोस आई रेड एंड एक्सप्लेन्ड दिस चैप्टर इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप you not only understood that explanation but also enjoyed it, and then I home assigned you to read this chapter on your own for your better understanding. Today in this video lecture we will go through reading comprehension exercises given in the end of this chapter number 15. First of all, on page number 57 we have exercise A, which is question answers. We will do these question answers in our register. So you may open the book, page number 57, and keep the book open in front of you, and then you may open your registers. When you did your words meanings of this chapter in the register, you must have made title page of this also. और मैंने आपको बताया था कि टाइटल पेज बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप पूरे के पूरे एक पेज पर प्रॉपरली चैप्टर नंबर 15 और फिर उसका टाइटल का नाम लिखकर एन अफ्रीकन विलेज खूबसूरत सा बड़ा बड़ा करके आप पूरे पेज पर लिखते हैं, और दूसरा और आसान तरीका ये है कि आप पेज के की जो फर्स्ट टू लाइन्स हैं इसमें चैप्टर नंबर 15 एन अफ्रीकन विलेज ब्लैक पॉइंटर से या ब्लैक पेन से लिख दें, यही आपका टाइटल पेज भी हो जाएगा। ठीक है, बट वॉट एवर यू डू यू मस्ट मेंशन द डेट्स एंड ड्रॉ टू मार्जिन लाइंस, वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकेंड ऑन द राइट हैंड साइड। ये डेट्स डाले बगैर और मार्जिन लाइंस ड्रॉ किए बगैर तो काम स्टार्ट ही नहीं करेंगे आप। ठीक है, इस वक्त हम करते हैं एक्सरसाइज ए क्वेश्चन आंसर्स। So you will keep your books open before you so that you can write down the questions from there, and I will give you the answers directly here on the board. Question number one is, how many independent countries are there in Africa? So the answer is given on page number 55 in the first paragraph, the first line. After Asia, Africa is the largest continent and it consists of more than 35 independent countries. So this is the answer to question number one. Now I will write down question number two and question number three together. Dear students, चूंकि ये छोटे छोटे से जवाब हैं, बोर्ड में हमसे ये सवालात एक एक करके इंडिविजुअली नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये इसका आंसर छोटा है, तो बोर्ड का पैटर्न क्या होता है कि वो किसी दो छोटे सवालात को मिलाकर एक बड़ा सवाल बनाते हैं। जैसे आपकी बुक में पेज नंबर 57 पे क्वेश्चन नंबर टू गिवन है, वेयर इज नाइजीरिया, वन सेंटेंस आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री इज इट, नाइजीरिया किस तरह की कंट्री है, इसका भी वन लाइन या वन सेंटेंस आंसर है। तो इन दोनों सवालात को मिलाकर एक सवाल करके हमसे अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, तो मैं आंसर नंबर टू एंड थ्री करके इसको यहाँ लिख रहा हूँ। आप जब क्वेश्चन उतारेंगे तो यूं ही उतारेंगे कि वेयर इज नाइजीरिया एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री इज इट क्वेश्चन मार्क। क्लियर, तो दो सवालात को मिलाकर आप एक सवाल बनाएंगे, उसी का जवाब मैं आपको लिख पा रहा हूँ। कुछ सवाल मैं भी ऐड करूंगा अपनी तरफ से जो शायद इन 12 सवालात में ना गिवन हो, शायद, जरूरी नहीं है। ठीक है, सो आई विल राइट डाउन द आंसर टू क्वेश्चंस नंबर टू एंड थ्री। वेयर इज नाइजीरिया एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री इज इट, नाइजीरिया इज इन वेस्ट अफ्रीका, इट इज द लार्जेस्ट and most populated country of West Africa. Nigeria is basically an agricultural country. It is also the largest country of Africa. West Africa में वाकई है नाइजीरिया,
और ये वेस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। पॉपुलेटेड का मतलब कि जहाँ पर पॉपुलेशन हो, मोस्ट पॉपुलेटेड का मतलब सबसे ज़्यादा आबादी भी नाइजीरिया में ही है। नाइजीरिया इज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एक ज़रई मुल्क है नाइजीरिया बुनियादी तौर पर। इसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, इसका जो रेवेन्यू है वो एग्रीकल्चर से आता है। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, बल्कि ये पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, सो दीज आर क्वेश्चंस आंसर नंबर 2 और 3। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं। ये दो लाइंस ड्रॉ करने का मकसद ये है आपको ये बताना कि आपको हर आंसर के बाद एक लाइन स्किप करनी है। आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के फौरन बाद आंसर लिख देंगे, लाइन स्किप करेंगे, फिर क्वेश्चंस नंबर 2 एंड 3 लिखेंगे, उसके फौरन बाद आंसर्स टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 लिख देंगे, फिर एक लाइन स्किप करेंगे और फिर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, 5 या व्हाटएवर। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू क्वेश्चंस नंबर 4, 5 और 6 एंड रिमेनिंग वंस। Question number 4 is, what is the bush area made up of? ये जो bush area है ये किस चीज का बना हुआ है, यहाँ क्या है? Answer is, a great part of Nigeria is covered with a dense forest which thins out into bushes. The bush area consists of scattered trees with heavy undergrowth in form of thick bushes and grass. The farmers' villages are scattered in the bush where they cultivate the land. Now you can see this answer is not a short answer. This complete answer can justify 2 marks easily. So this is usually asked alone. ये सवाल अक्सर अकेला पूछा जाता है, किसी और सवाल के साथ इसको मिलाकर नहीं पूछते हैं। Again, I have drawn 2 lines over here in order to show you that I have skipped 1 line and you also have to skip 1 line. याद रखें कि हर क्वेश्चन और आंसर के पेयर के बाद आपको एक लाइन स्किप करनी है ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, वर्क प्रेजेंटेशन, वो अच्छी लगे। Is that clear? Okay, the next question is, where do most Nigerian farmers live? ज़्यादातर नाइजीरियन फार्मर्स कहाँ रहते हैं? आई विल इरेज द बोर्ड एंड इरेज आंसर्स नंबर 1, 2, 3 और 4। सो बिफोर आई इरेज दिस, यू मे पॉज द वीडियो हियर एंड डू दिस वर्क इन योर रजिस्टर्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, वेयर डू मोस्ट नाइजीरियन फार्मर्स लिव? द आंसर इज, since Nigeria is chiefly an agricultural country, चूंकि Nigeria chiefly यानी mainly basically an agricultural country, एक ज़राई मुल्क है, therefore चुनाचे most of the farmers live in villages or bush settlements. So this is answer to question number 5 from our book. Now we will go through question number 6. What is the roof of a farmer's hut made of? Farmer ke hut ki roof kis cheez ki bani hui hoti hai? The answer to question number 6 is, the roof of farmer's hut is thatched with straw, grass, reeds and palm leaves. This is done to protect from rain and hot sunshine. So my brothers, we have covered these 6 questions today. I will home assign you to learn or memorize these questions so that you should not pile up your work to memorize in the end of the year. अगर आप हर काम साथ साथ memorize भी करते रहें, जो memorize का काम है वो memorize करते रहें, जो प्रैक्टिस करने का काम है वो प्रैक्टिस करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको जो बहुत सारे काम एकदम पाइलअप हो जाता है ना, वो फिर उसको करना, याद करना या समझना मुश्किल भी हो जाता है।
साथ साथ याद करते रहें इंशाल्लाह ताला व्हेन स्कूल्स विल रीओपन यू पीपल विल कम बैक टू योर स्कूल्स यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन अटेम्प्टिंग द टेस्ट कंडक्टेड बाय द टीचर्स इन योर स्कूल्स ऑलराइट सो आई एम होम असाइनिंग हियर मेमोराइज क्वेश्चन आंसर्स 1 to 6 So you have to memorize these question answers from 1 to 6. We will cover the remaining questions from 7 onwards up to 12 in the next video lecture inshallah ta'ala. You must do this work in your register as soon as you finish watching this video and then you should memorize these question answers today, the very day. So that when we start our work tomorrow in the next video lecture, you should have completed your work and memorized it also. We will meet again in the next video lecture and cover questions 7 to 12 inshallah ta'ala. Till then take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.